بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس مبارک اور مقدس جلسے کے لیے رحمت برسا کر ٹھنڈی کر دی ہم تو بہت گھبرا رہے تھے بجواڑے کی گرمی سے لیکن اللہ نے تمانیت بخشی اس کا شکر و احسان ہے اللہ کی طرف سے تو ساری باتیں سب اپنے وقت پر رحمت ہی رحمت رکھتی ہیں اپنے بندوں کے لیے لیکن بندہ ہی کچھ ناشکرا ہے تھوڑا سا کہ جب اس کے سامنے اچھی زندگی اچھی بات اچھا طرز تمدن پیش کیا جاتا ہے تو یہ مکر جاتا ہے یا ایراس کر جاتا ہے یا اس اچھی چیز کو بگاڑ کر کے خراب چیز بنا لیتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا تو آج یہ جو قربانی کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے اس کو اگر مسلمان سمجھ جاتے تو گھر گھر آپ کو نیک اور صالح نوجوان صالح بوڑھے صالح بچے اور صالح عورتیں ملتی صرف اگر قربانی کو سمجھ جاتے لیکن اب ہم کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم سمجھیں بس یہ جان لیا کہ اللہ کا حکم ہے قربانی کرو کر دیا بکرا کاٹا اس کو چیرا اس کے ٹکڑے کیے کچھ کھلایا کچھ کھایا السلام علیکم وعلیکم السلام حالانکہ اس قربانی میں ایک ایسی عظیم حقیقت پوشیدہ ہے کہ مسلمان اگر غور کرتا تو اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کس جانور کی ہوتی ہے جو لنگڑا نہ ہو جو معذور نہ ہو جو بیمار نہ ہو جس کی چمڑی پر داغ دھبے نہ ہو جس کے سینگ کٹے ہوئے نہ ہو جو لاغر نہ ہو کمزور نہ ہو کم سن نہ ہو کیوں
इतने उसूल क्यों कि एक बकरा कट रहा है तो कहा यह जा रहा है कि कटने वाले बकरे के सींग झड़े हुए ना हो। काटना ही तो है, सींग अगर झड़ गया तो कौन सी कयामत आ गई, क्या हुआ, रखना थोड़ी है उसको नुमाइश में। कहा गया कि उसकी टांग लगनी ना हो, अरे कटने वाले की टांग क्या और जिस्म क्या, क्या कि नहीं कुर्बानी नहीं कबूल करेंगे हम, अगर सींग कटा हुआ हो तो हम उसकी कुर्बानी नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे, जिस्म पर दाग धब्बा हो तो हम उसकी कुर्बानी कबूल नहीं करेंगे, रंग भद्दा हो तो हम उसकी कुर्बानी कबूल नहीं करेंगे। क्या बात है, गौर किया, अल्लाह तबारक ताला ये बताना चाहता है मुसलमानों को कि खुदा के नाम पर एक जानवर में अगर किसी किस्म का ऐब हो तो वो अल्लाह कबूल नहीं करता। तो ऐ मुसलमान, तू इंसान है, तेरे अंदर अगर ऐब हो तो हम तुझे कैसे कबूल करेंगे, एक जानवर को हम कबूल नहीं करते, अगरचे कि उसकी हयात कट कर दी जा रही है, अगरचे कि उसको खत्म किया जा रहा है, मगर अल्लाह के नाम से लंगड़ा लूला या काना या कान कटा या सींग झड़ा हमको कबूल नहीं है, अल्लाह के नाम से बिल्कुल बेऐब चीज हम कबूल करते हैं, तो तेरे अंदर बकरे से ज्यादा ऐब, तेरे अंदर बकरे से ज्यादा लागरपन, तेरे अंदर बकरे से ज्यादा गंदगी, तेरे अंदर बकरे से ज्यादा धब्बे, तो हम तुझे कैसे कबूल करेंगे। हर साल कुर्बानी ये याद दिलाती है मुसलमान को, लेकिन बकरा तो अच्छा लाया लेकिन अपने आप को अच्छा बना नहीं सका। बकरा तो बड़ा अच्छा लाया, 3,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, 70,000 रुपए का। अरे भैया बकरा होगा, तू कितने रुपए का है, तेरी क्या कीमत है, एक जानवर में ऐब नहीं निकला जब तू खरीदा, लेकिन जब तुझे पलट करके देखा गया तो तुझ में ऐब निकला। बोल, जानवर बेहतर है या तू बेहतर है। जानवर कुर्बानी के काबिल करार दिया गया, जांचने वालों ने कहा इसकी कुर्बानी जायज है, लेकिन जब जांचने वाले ने तुझे जांचा तो सर से पैर तक ऐब निकले, बता तेरी कुर्बानी कैसे हो। तो ये समझने वाला कौन है भाई, समझने वाला कौन है। हम समझे कि बकरे का पाक होना, बकरे का साफ होना ही जरूरी है, हमारा पाक और साफ होना जरूरी नहीं है, हम जैसे भी गंदे रहे चल सकता है। अल्लाह अल्लाह, जहां जानवर का दाखिला नहीं है ऐब के साथ, वहां इंसान का कैसे दाखिला होगा। खुदा पाक, खुदा का हबीब पाक, खुदा का करम पाक, और खुदा का बंदा ना पाक। अल्लाह कौन समझे इस कुर्बानी की हकीकत। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप फलसफे कुर्बानी सुनने के लिए भीगी रात में तशरीफ लाए, अल्लाह आपको इसका अजर दे। मगर समझो, अपनी औकात को पहचानो, अपने मकाम को जानो, अल्लाह के उस एहसान को याद करो कि इस दुनिया में हजारों कौमें थी, अगर परवरदिगार चाहता तो हमें किसी और कौम में भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसका एहसान है अपने हबीब कायनात सरवर कौनैन खत्मुल मुर्सलीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। इस एहसान को फरामोश मत करना। कई कौमें हमारे साथ हैं, अगर हम किसी और कौम में पैदा होते तो ये नेमतें कहां नसीब होती। अब ये रही बात कि जब अल्लाह ने अपने फजल व करम से हमें उम्मत मुस्लिमा में पैदा किया है तो हमको ये जानना चाहिए, गौर करना चाहिए कि उसने तो करम कर दिया, अब हमारा काम यह है कि हम इस उम्मत मुस्लिमा के लायक हो जाएं, उसके काबिल बने, बजाय उसके मुसलमान ये कहता है खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में है। सुना, सरकार के फजलो करम से इसको इस्लाम मिला, ईमान मिला, अमल सालेहा की तरगीब मिली, हज व जकात मिले, नमाज और रोजा मिला, कुरान हकीम मिला, ये सारी चीजें मिलने के बाद ये क्या कह रहा है कि इतनी सब चीजें रहने के बावजूद खार हैं, बदकार हैं,
डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। कुछ भी है, चोर है, बदमाश है, कुछ भी है, मगर सरकार की उम्मत में, वाह, सरकार की उम्मत में ऐसे ऐसे लोगों का दाखिला है। अल्लाह अल्लाह, हमारे घर में लोग सबके सब अच्छे हैं, हमारे पास बदतमीज नहीं है, इंसान कैसी बड़ाई करता है। हमारे घर में सबके सब तमीज वाले हैं, एजुकेटेड हैं, 9 डॉक्टर हैं, 6 इंजीनियर हैं, हमारे पास बदतमीज नहीं है। जब लड़की देखने जाते हैं तो बड़ी डेंगे मारता है, तेरा घर तो बड़ा कीसमार खा का घर है, और सरकार की उम्मत बदकार है, खार है, डूबे हुए जिल्लत में। अल्लाह 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 अल्लाह, समझे मुसलमान, बड़ाई तो हर चीज की है, अपनी नौकरी की तारीफ, अपनी दुकान की तारीफ, अपनी बेटी की तारीफ, अपने बेटे की तारीफ, अपने घर की तारीफ, अपनी कार की तारीफ, अपनी साइकिल मोटर की तारीफ, और जहां मामला ईमान और इस्लाम का आया, बदकार हैं, खार हैं, डूबे हुए जिल्लत में। अरे भैया, किसने कहा था तुझे बदकार होने के लिए? किसने कहा था तू खार होने के लिए? किसने कहा था तुझे? कुरान ने कहा था, हदीस ने कहा था, अल्लाह ने कहा था, अंबिया ने सलाम ने कहा था, या किसी आओ वली ने कहा था? किसने कहा था तुझे बदकार होने के लिए? हमने तो ये सुना और देखा कि अंबिया ने साले होने की तालीम दी, नेक होने को कहा। हमने देखा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे जो अल्लाह का मुखरिब बंदा बनने की जो है तरगीब दी। हमने देखा कि हदीस ने तुझे नेक बनाने का मामला जो है पेश किया। सारी बातों के बाद तू ये कह रहा है कि हम खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, और उसके बाद तुरफे तमाशा यह है कि कुछ भी है लेकिन आपकी उम्मत में है, शर्म की बात है। कम से कम उतना बोल के अगर दफा हो जाता तो अच्छा था कि मैं खार हूं, मैं बदकार हूं, इस उम्मत मुस्लिमा का लायक नहीं हूं, अगर यह कहता तो अच्छा था। मगर तुरफे तमाशा, चोरी उस पर सीना तोरी, यह कह रहा है कि मैं ऐसा हूं मगर फिर भी आपके पास हूं। वाह, क्या इस्लाम को गंदा करने का इरादा है या सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने का इरादा है? क्या कुरान हकीम की इज्जत लूटने का इरादा है? क्या उम्मत मुस्लिमा जिसमें जो है सहाबा कराम है, ताबईन है, तबे ताबईन है, औलिया है, औलिया उज़्ज़ाम है, अब्दाल है, अख्ताब है, मुहद्दिसीन मुअस्सरीन है, उलमाए अज़्ज़ाम है, इन सबको बदनाम करने का इरादा है कि इतना सब रहते हुए हम बदकार शामिल हो गए हैं और जो है लूटमार शामिल हो गए हैं, गारतगर शामिल हो गए हैं, फसादी शामिल हो गए हैं, अलीबाबा शामिल हो गया है और जनाब उसके साथ 40 चोर भी शामिल हो गए हैं। अल्लाह गनी अल्लाह गनी। मुसलमान अगर गौर करता है उसके ऊपर जो नेमतें अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं तो ये बात कभी जबान से ना निकालता। हाय हाय, अगर कोई औरत कहे किसी को कि मैं आवारा हूं और मैं बच्चेदान हूं, मैं जो है बिल्कुल गई गुजरी हूं मगर फिर भी आपकी बीवी हूं, तो कबूल करेगा? कबूल करेगा कोई कि तू बच्चेदान रहे फिर भी मेरी जौजियत में रहे? तू बदकिरदार सही लेकिन फिर भी मेरी जौजियत में कबूल करता हूं? अरे पर्दे से झांकने वाली के लिए मुसलमान खौफी का इजहार करता है। जिस मुसलमान के अंदर गीरत है पर्दे के बाहर और उसको देखना गवारा नहीं करता, अगर ठीक है वो बेचारी अंदर जो है हब्स में रहती है उसके बावजूद भी जो है उसकी परवाह नहीं करता, इसका घुटका मर जाना चाहे, इसकी बेहयाई और बदकारी से। और यहां खुद तो अपनी बदकार बीवी को कबूल करने से रहा और क्या कह रहा है कि हम बदकार हैं, खार हैं, लेकिन सरकार की उम्मत में हैं। वाह वाह, सरकार की उम्मत में जगह है? सरकार की उम्मत में तो महबूब इलाही को जगह है, सरकार की उम्मत में ख्वाजे अजमेरी को जगह है, सरकार की उम्मत में बंदनवास गेसुदराज को जगह है, सरकार की उम्मत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जगह है, सरकार की उम्मत में हजरत उमर फारूक को जगह है, रिजवानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन, इन तमाम असहाबे बासफा, इन तमाम अफराद मुताशिरा, इनको इनकी जो है यहां जगह है इस्लाम। आज मुसलमानों पर जो अजाब टूट पड़ रहा है उसकी वजह क्या कि इसने अपनी कुर्सी छोड़ दी,
इसने अपने मकाम को छोड़ा, नमाज पढ़ता रहा लेकिन बगैर निकाह की औरत के साथ जिंदगी गुजारता रहा, नमाज पढ़ता रहा सूद को जायज करार देता रहा, बैंकिंग से इसने कंसल्ट रखे और कहा मेरी मजबूरी है, नमाज पढ़ता रहा गीबत करता रहा, नमाज पढ़ता रहा फिरका वारियत को हवा देता रहा, नमाज पढ़ता रहा बीवी और बच्चों को जो है उनके हकूक अदा नहीं करता रहा, हत्ता कि नमाज पढ़ता रहा उम्र भर बीवी का जो महर है वो अदा ही नहीं किया, डुबा करके खा गया। तो अब अजाब नहीं आएगा, अजाब इलाही नाजिल हो गया। चलो अब दुआएं होने लगी, अल्लाह हमारे जानो माल की हिफाजत फरमा। और वहां यह आलम था कि मुसलमान से कसरा और रूम कांप रहे हैं, सारी दुनिया लफ्जा बंदाम है और यहां यह आलम है कि मुसलमान कांप रहा है और ये कह रहा है कि हमारी जान और माल की हिफाजत होगी तो बस दूसरों की हिफाजत करने वाला खुद की हिफाजत गायब हो गई। अल्लाह क्यों हुआ ऐसा, सोचा है कभी? फिर भी मुसलमान समझ रहा है कि मैं अपने रास्ते पर हूं, मैं ठीक हूं। अगर कोई मशवरा दे आप, बोलेगा आपका अकीदा खराब है, मैं तो बराबर रास्ते पर हूं, मैं फला जमात के साथ हूं, मेरा अकीदा ही सही है, यही जमात मेरी जो है नाजी है, बाकी सब जितने भी है सब कुल्लुहुम फिन्नार, यह हालत है। अरे भाई तू जिस भी जमात में रहे भैया, लेकिन जो है जमात तुझे जन्नत में नहीं ले जाएगी, ले जाएगा तो वो अमल जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा और इरादे के मुताबिक रहेगा, वो अमल तुझे जन्नत में ले जाएगा, जमात नहीं ले जाती। अगर हम दीनदार हैं तो हमारी दीनदार अंजुमन हमको जन्नत में नहीं ले जाती, ये तो एक पहचान है, काम करने की एक निशानी है, दीनदार अंजुमन जन्नत की जमानत नहीं देती। जमानत जन्नत की जमानत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जमानत जन्नत कुरान हकीम है, जमानत जन्नत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक है। इसी तरह दीगर जमातें हैं, किसी भी जमात में आप रहो लेकिन उसूल इस्लाम को तो खैर सामने रखो, उसूल इस्लाम को देखो, मिलकर काम करने की आगे आदत डालो। जमात का मतलब ये नहीं रहता कि दूसरी जमात की को हिकारों से देखा जाए, ऐसा तो नहीं रहता उसका मतलब, सबको गले से लगाने वाला इस्लाम है हमारा, सबसे बगलगीर होने का हमारा इस्लाम है, सारी दुनिया को समो लेने की इसके अंदर ताकत है। अगर मुसलमान मुसलमान के सलाम को कबूल ना करे, मुसलमान मुसलमान के करीब ना आए तो फिर सारी दुनिया को क्या करीब लेगा, सारी दुनिया से क्या गले लगाएगा। आपको मालूम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमियों को, अरबियों को, इराकियों को, रूमियों को, मिस्रियों को, हबशियों को, सारों को एक ही सफ में खड़े कर दिया लाकर, ना कोई जमात बाकी रही, ना रंगो नस्ल, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा किया और वहां जो है मिट गई नशे वो फराज, मिट गए। यह इस्लाम का बुनियादी मामला है। और यहां जो है सबसे ऊंचा क्या है कि ये जमात और वो जमात, इनके अकीदे खराब हैं, उन पर कुफर का फतवा है, ये जो है दोज़खी हैं और वो जो है ऐसे हैं और ये जो ऐसे हैं, तो ये कैफियत से इस्लाम कहां फैलेगा भाई। अगर गलत भी है कोई तो उसको दुरुस्त करो ना करीब आकर के, सही करो एक दूसरे के लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मोमिनु मिरतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है, जब मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो जाहिर है मेरी खराबियां आईने में मैं देख लूंगा, आप मेरे सामने आ जाएं तो जाहिर है आप अपनी खराबियां मुझ में देख लेंगे हुजूर, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईना फरमाया। तो एक जमात अगर दूसरी जमात को देखे तो अपनी खराबियां दुरुस्त कर लेने की बजाय अंगुश सुनवाई कर रही है, मातूब कर रही है, इस्लाम से खारिज कर रही है, तो इससे फायदा कुछ नहीं हुआ इस सिवाय इसके कि मुसलमानों की ताकत टूट गई और इस बात का इल्म दीगर कौमों को हो गया कि चलो ये अलग अलग हुए हैं, अगर हम इनको मिटाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से मिट जाएंगे। तबलीगी जमात को पकड़ा जाएगा तो जमात इस्लामी हिमायत को नहीं आएगी, जमात इस्लामी को पकड़ लेंगे तो अहले हदीस नहीं आएंगे, अहले हदीस को पकड़ेंगे तो दीनदार नहीं आएंगे, दीनदारों को पकड़ा जाएगा तो चकड़ाल भी नहीं आएंगे,
नक्शबंदी सहरवर्दी नहीं आएंगे। ये कैफियत उनको मालूम होने के बाद हमारी ये कैफियत हुई। अगर हम सब एक होते तो आज ये नौबत होती हमारी। 313 मुसलमान सारे जमाने पर भारी थे। नक्शा खींचा हफीज जालंधरी ने, कैसी बात प्यारी फरमाई, सुनना चाहते हैं आप? सुन लीजिए। फरमाया सफे बांधे खड़े थे सामने ईमान वाले भी, साहबा के एक रंगी बताई जा रही है, उनकी आपस में एक दूसरे के अंदर जज्बो कैफ को जाहिर किया कर रहा है हफीज जालंधरी का वजूद। आप फरमा रहे के सफे बांधे खड़े थे सामने ईमान वाले भी। अब आप बोलेंगे कि ईमान वाले का मतलब मौलाना, यहाँ साहबा कराम सब ईमान वाले थे, अब यहाँ ईमान कहाँ है? वो उसका उनका ईमान खराब है, इनका अकीदा खराब है, ये जो है कुछ अलग अकीदे के हैं, वो अलग फिरके के हैं, यहाँ कहाँ है? वहां तो एक ही ईमान के थे। जिन्हें वहां भी तीन किस्में उसने बताई, तीन किस्में उसने बताई, इन तीन किस्मों को एक रंग में बताया। मैंने आपसे अर्ज नहीं किया आप जिस फिरके में रहना चाहते हैं रहिए, लेकिन उसूल इस्लाम को हाथ में मजबूती से पकड़े रहिए। जिस जमात को आप चाहते हैं उस जमात में रहिए, लेकिन वहां जिस जमात में आप हैं वहां उसूल इस्लाम हो, अकायद इस्लाम हो, ईमानियात इस्लाम हो, कुरान करीम वहां अमल में हो, रूह इस्लाम वहां रवा दवा हो, आपके कदूम में बरकत और खैर हो, आपकी जबान में हयात हो, आपके वजूद से दुनिया में उजाला हो जाए, ये अगर चीजें हैं तो आपकी जमात मरहबा सद मरहबा। चाहे कोई जमात हो मुसलमान की, सब बाबरकत है। अब ये बात के सरकार गौरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे, मेरी उम्मत फरमाने सरकार, एक खरबूजे के आप 72 टुकड़े कर दीजिए, खरबूजे ही के टुकड़े कहलाएंगे, दूसरा टुकड़ा आम का नहीं कहलाएगा, तीसरा टुकड़ा जाम का नहीं कहलाएगा, खरबूजी ही के आप 72 टुकड़े कर दीजिए, खरबूजी के टुकड़े ही कहलाएंगे। इस तरह सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत फरमा रहे आप, लफ्ज देखिए आप गौर कीजिए उस हदीस पर, उसमें 72 फिरके होंगे, तो सरकार की उम्मत ही में हिस्से हिस्से हो जाएंगे, बुरा क्या है? और जो नार का लफ्ज आया है, वो नार जो है पुराने हकीम में कई मानों में इस्तेमाल हुआ है, यह आग नहीं जो आग हम समझते हैं, यह हसद और जलन की भी एक आग होती है, उस आग से जो है वहां मुरादी माने लिए गए हैं। तो इस तरह उसके माने मफहूम है भाई, बुरा हमको नहीं समझना चाहिए ना, कोई कलमा गो है तो उसको हमको बुरा नहीं समझना चाहिए, अगर कोई मामले में रुकावट हो रही है तो उससे मिलकर के जो है सफाई कर लेनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, खैर इनको यहां रखिए। मैं वो प्यारा नक्शा जो पेश कर रहा था, कहें ऐसा ना हो कि मेरे दिमाग से निकल जाए, साहबा की बात पहले सुनिए, हमसे मुकदम है वो लोग, हम कहां उतने खूबसूरत हैं, हम कहां उतने बाबरकत हैं जितने वो लोग हैं, उनकी बात अधूरी करके मैं आप यहां की बात पेश करूं, बेद भी हो जाएगी, सोए अदब कहलाएगी बात ये। इस वास्ते पहले साहबा को सुन लीजिए, हफीज जालंधरी ने फरमाया सफे बांधे खड़े थे सामने ईमान वाले भी, खुदा वाले, मोहम्मद वाले और कुरान वाले भी। तीन तकसीमें हुई, ईमान वाले के साथ बात खत्म हो गई थी, मगर कमाल है, बोलने में कमाल है, सफे बांधे खड़े थे सामने, किसके सामने वो तो आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के सामने नहीं खड़े थे वो लोग, जैसे आज हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इसी को बहादुरी हम समझ रहे हैं कि एक भाई दूसरे भाई से बरसरे पैकार हो जाए, इसको हम बहादुरी समझ रहे हैं। वहां एक दूसरे के मुकाबले में नहीं थे, सफे बांधे खड़े थे सामने, किसके सामने आप समझ जाइए, सामने ईमान वाले भी, खुदा वाले, मोहम्मद वाले और कुरान वाले भी। फरमाया कि जिनके पास दो घोड़े, छह जिरहे, आठ शमशीरें, गौर कर रहे हैं, सामान्य हर पर लड़ाई करने के लिए आए हैं लोग, जंग करने के लिए, सामान क्या है? थे जिनके पास दो घोड़े, पूरी फौज में मुसलमानों की दो घोड़े हैं, छह जिरहे, 313 सहाबा में सिर्फ छह आदमी जो है जीरा बख्तर पहने में, बाकी सब वैसी है। थे जिनके पास दो घोड़े, छह जीरे, आठ शमशीरें, 313 आदमी में सिर्फ आठ आदमियों के पास शमशीर है, तलवार है, बाकी कुछ भी नहीं, लकड़े वकड़े लिए होंगे, क्या कसम कुर्सी है। आज हमारे पास छह तो टेप रिकॉर्डर हैं,
दो जो है कलर टीवी है। आज मुसलमान के पास कैसा हथियार है, कैसा जबरदस्त सामान है जंग है इसके पास, कि ये टीवी से लड़ेगा, ये टेप रिकॉर्डर से लड़ेगा, ये कैमरे के फ्लैश कैमरे से जो है एक मुकाबला करेगा। देख रहे हैं आप इसके हथियार, मुसलमानों के हथियार कैसे हैं और सहाबा कराम के हथियार कैसे थे, कि जिनके पास दो घोड़े, छह जिरहे, आठ शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। फिर से सुनिए, कि जिनके पास दो घोड़े, छह जिरहे, आठ शमशीरें, आठ शमशीरों से दुनिया की तकदीर बदली जा रही है। थे जिनके पास दो घोड़े, छह जिरहे, आठ शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। उसके बाद फरमाया, नहीं था 313 से आगे तक शुमार उनका, सुना यह है कि उनके साथ था परवरदिगार उनका। नहीं था 313, 414 की बात वहां नहीं थी। आज हम 3 करोड़ हैं, 3 अरब हैं, 50 अरब हैं। क्या करेंगे लेकर के 50 अरब? जो मुसलमान की तारीफ है, अगर उस तारीफ में अगर 50 में अगर कोई फिट नहीं हो रहा है तो लेकर क्या करेंगे? और वहां 313, 414 थे, वो ऐसे थे कि अगर खसम खा ले, कुरान करीम फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें तुम्हारे साथियों में बाज ऐसे हैं कि अगर कसम खा ले तो इनकी कसमों को अल्लाह ताला पूरा कर दे, ऐसे थे वो। कसम सहाबी खा रहे हैं और कसम को पूरा अल्लाह कर रहा है, क्या शान है। इस वास्ते कह रहा है कि नहीं था, आप ये नहीं बोलना 313 थे, 414 थे। अरे बात क्या है, कहा नहीं था 313 से आगे तक शुमार उनका, सुना यह है कि उनके साथ था परवरदिगार। ये तो आधा कलमा हो गया। इसी वास्ते हफीज ने आगे बढ़कर कहा, नहीं था 313 से आगे तक शुमार उनका, सुना यह है कि उनके साथ था परवरदिगार उनका। कहता पलट के, न तेगो तीर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुनो, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم انا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم। آیا سمجھ؟ ہم ہیں 50 کروڑ، ہے وہ شان، ہمارے ساتھ اللہ ہے، سایہ رسول اللہ ہے، ہے اس قابل ہے ہم؟ اگر مسلمان کے پاؤں मौजूदा मुसलमानों के पांव अगर लेबोरेटरी में भेज दें तो रिपोर्ट सही नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह के रास्ते के अलावा भी चलते हैं। हाथों को अगर भेजा जाए वहां से रिपोर्ट आएगी कि ये हराम अल्लाह हलाल के अलावा हराम को भी पकड़ते हैं। कान को अगर भेजा जाए तो कहेंगे कि अल्लाह रसूल की बातों के अलावा ये गाने भी सुनते हैं। आंखों की रिपोर्ट आएगी कि ये जो है खुदा और रसूल की अगर रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट ऐसी आएगी कि इसके सर में अल्लाह रसूल के सौदे और इस्लाम के सौदे के अलावा दुनिया और मादे का सौदा इसके अंदर भरा हुआ है। दिल की रिपोर्ट आएगी तो वहां कुलूबुल मोमिन रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं लिखेगा, कहेगा कि इसकी दिल में जो है 6 कार, 8 बंगले, 5 टीवी, 2 सी वो एयर कंडीशन रूम, 6 बैंक बैलेंस, क्या हमारी स्विट्जरलैंड में भी जमीन है, हमारे होटल जो है बॉम्बे में भी है, हमारे समझी के जो है 6 ट्रक हैं, है रिपोर्ट है। जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। नतीजे के तौर पर सब गायब होने का टाइम आ गया। अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? अल्लाह ने तो फरमाया था, वकदा लिखा जालना को मुम्मतम वसतल्लत कुन शोहदा अलन्नास वयकुन रसूल अलैकुम शहीदा। ए मुसलमान, हमने तुझे सरदार बनाया है तमाम अख्वाब आलम पर, और तुझ पर सरदार हजरत सरवर कौनैन ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तू अपनी सरदारी निभा,
دین کے لیے کھڑا رہے, تیرا جینا اللہ کے لیے, تیرا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن مسلمان جب مادیت میں چلا گیا تو اللہ نے کہا چلو اس چھابو میاں صاحب کی پوٹلی کھینچ لو. آج پوٹلی کھینچی جا رہی ہے تو پریشان ہے, دین پر آ جاتا تو اللہ رسول تیرے تھے, تخوہ آ جاتا تو اللہ رسول. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ کو برا نہ لگے تو یہ بات کہوں, حضور نے کیا فرمایا تھا ذرا سن لیجئے, کوئی قائم ہے کیا؟ میں دلیل فراہم کر دیتا ہوں, مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے, آپ میرے بھائی ہیں, میں اس واسطے لڑ رہا ہوں کیس کہ میں ایک بھائی اگر برا ہوتا ہے تو دوسرے بھائی پر وہی فتویٰ لگتا ہے, سب کے سب وہی ہیں, اس واسطے میں گھبرا رہا ہوں, محض میرے لڑنے کی وجہ یہی ہے آپ سے, اس لیے میں جرح کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تصویر گھروں میں رکھنا حرام ہے. فرمایا تھا, یہ حدیث بچے بچے کو معلوم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک ہی بات بول رہا ہوں, بڑی باتیں ہیں بہت, رات تمام بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور مجھے جو ہے اصل فلسفہ قربانی بولنی ہے, مگر یہ تو قربانی ہی کی باتیں چل رہی ہیں. تاکہ مسلمان پاک ہو جائے تو اللہ کے نام پر قربان ہو, اور داغ دھبے والا مسلمان قربان نہیں ہو سکتا, اس واسطے تو اتنی مشین میں نے کھول دی ہے, پارٹس کو میں نے الگ الگ کر دیا ہے, اسی وجہ سے کہ اس کو اورائلنگ ہو جائے, اس کے بعد یہ جب پاک ہو جائے تو اللہ رسول کا کہہ رہا ہے. اس واسطے تو میں نے یہ تکلیف اٹھائی ہے, اس واسطے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ ایک دو منٹ ذرا دیکھ لیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ مسلمان کے گھر میں تصویر نہیں ہونی چاہیے. اس زمانے میں ٹی وی ہوئی کہ نہیں تھی؟ ٹی وی تو نہیں تھی, تصویر. تصویر کے معنی حرکت نہیں کرنے والی تصویر, جیسے ہم اور آپ پہلے بھی دیکھتے آئے کہ ایک فوٹو لے لیا, ہنستا ہوا لیا تو تصویر پھٹنے تک ہنستے ہی رہو, روتا ہوا لے لی تصویر تو پھٹنے تک روتے رہو, یعنی ایک ہی پوز. تو اس میں کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی تصویر جو اپنا رخ نہ بدلے وہ تصویر بھی تمہارے گھروں میں حرام ہے, فرمایا تھا سرکار نے. تو اب مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سرکار نے فرمایا ہے تو فرمایا ہوگا, لیکن مجھے میرے دل کو یہ منجمد جو حرکت نہیں کرنے والی تصویر ہے دل کو نہیں بہلا رہی ہے, کیونکہ میں برسوں سے کیلنڈر میں دیکھ رہا ہوں, ہنس رہی ہے تو ہنسی رہی ہے وہ تصویر, رو رہی تو روئی رہی ہے, دیکھ دیکھ کے میں بیزار آ گیا. اب میں کچھ ایسی تصویر تلاش کروں جو ہمیشہ اپنا رخ بدلتی ہو, کبھی گا رہی ہو, کبھی رو رہی ہو, کبھی ہنس رہی ہو, کبھی ناچ رہی ہو, کبھی لبھا رہی ہو, کبھی جو ہے اندر سے شہوت کو اٹھا رہی ہو, کبھی آدمی کو جانور بنا رہی ہو, ایسی چیز اگر میرے پاس آ جائے تو میرے دل کو بہلائے کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. لہذا اس نے ٹی وی لا لیا. سرکار نے تو حرکت نہیں کرنے والی تصویر کو منع فرمایا تھا اور یہ حرکت کرنے والی لا دیا. اس کے بعد دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, دعویٰ یہ ہو رہا ہے اور عمل یہ ہو رہا ہے کہ سب وہ لا دیا, اور لا کے کیا کیا خود تو دیکھ رہا ہے, ایسا نہیں بہو بیٹیوں کو سب کو لا کر کے بٹھا دیا, کہا میں دلندر اکیلے کیسے ہو جاؤں, تم بھی میرے ساتھ ہو جاؤ نا, تم بھی میرے ساتھ, کیونکہ کل کو میں دوزخ میں اکیلا جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا, یہاں ہم مل کر رہے تو وہاں بھی مل کر رہیں گے. اللہ اللہ, پھر مسلمان ہے, کسی کو سمجھ ہے, کہیں دیکھا ہے مسلمان؟ اب یہ مسلمان رہیں گے, ان کو رکھا جائے, ان کے جان اور مال کی حفاظت کی جائے, اس واسطے کہ ٹی وی دیکھتے رہیں, ان کو اس واسطے بچایا جائے کہ سینما بھی نہیں کریں, ان کو اس واسطے بچایا جائے کہ اسلام کے پیر پر یہ خود کلا بھی ماریں, کیا ان کو اس واسطے رکھا جائے کہ اسلام کو بدنام کرتے رہیں, تعلیمات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجو اڑاتے رہیں, کس لیے ان کی حفاظت کی جائے؟ ہاں, حفاظت تو اللہ ان کی کرتا ہے جو دین کی حفاظت کرتے ہیں, جو قوانین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہاں یہ عالم ہے کہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کیا ہے میرے بیٹے, میں نے رات میں تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, وہاں کاٹا جا رہا ہے, ایک ایک محبت کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہاں محبتیں جوڑی جا رہی ہیں, اللہ کے حکم کو کاٹا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو توڑا, اپنی اولاد کو کاٹا, اور یہاں اللہ کے حکم ہی کو کاٹا جا رہا ہے, اپنی اولاد کو جوڑا جا رہا ہے. الٹا ہے, قربانی ادھر ہونے کی تھی, وہ چھری جو بیٹے پر چلنی تھی اسلام میں, مسلمان اسلام پر چلا رہا ہے, بیٹے کو بچا رہا ہے. اور وہاں یہ تھی کیفیت کہ حضرت ابراہیم نے قانون کی پاسداری میں خدائے تعالیٰ کی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی,
فَلَمَّا بَلَغَ مَاهُ السَّعَى قَال یا بُنَيَّا اِنِّي عَرَى فِي الْمَنَامِ ہم دین حنیف پہ رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا بھائی, ہم دین حنیف پر ہیں نا, حنفی المذہب ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنے بچے کو گاڑ دیا تھا نا, ہم اپنی خواہش کو نہیں کاٹیں گے, ہم اپنے نفسانی چیزوں کو نہیں کاٹیں گے, اللہ کے راستے میں جو چیز حائل ہے اس کو نہیں کاٹیں گے, تو دین حنیف پر کیسے قائم رہیں گے؟ دین حنیف اسی وقت قائم رہے گا ہمارا جب جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اللہ کی محبت میں کاٹ دیا, اس طریقے سے اگر ہم اپنے تمام تر تعلقات جو خدا تعالیٰ کے راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں ان کو جب تک کٹ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کے مقرب بندوں میں شامل نہیں ہوں گے. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اس وقت تک تم میں سے کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کے راہ میں قربان نہ کر دے. اس کی حفاظت تمہاری موت ہے, اس کی قربانی اللہ کا تقرب ہے اور تمہاری حیات ہے. جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہو اس کو کٹ کر دینا ہی اس میں تمہاری حیات ہے اور اللہ کی محبت کا ثبوت ہے. ان چیزوں کو گلے لگانا, اللہ کے قوانین کو پھینک دینا, اس میں حیات نہیں موت ہے. یہی بات سمجھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور وہ کس قدر پاکی کے بعد وہ مقام ملا ہے, بڑی لمبی تفصیل ہے, صبح ہو جائے گی اگر میں تفصیلی جو ہے آپ سے گفتگو کرنے لگوں گا, تو آپ بھی اسی طرح فجر تک بیٹھیں گے, میں بھی اسی طرح بیٹھوں گا. اتنے وسیع ترین اس کے اندر جو ہے معاملات ہیں کہ وہ قربانی اس وقت نصیب ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے پورے تمام نفسانی خواہشات پر قابو پا لیا. آپ شاید واقف ہو اس بات سے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے اس گاؤں کی کیفیت یہ تھی کہ برس میں ایک مرتبہ جو ہے آوارہ گردی کی جاتی تھی, سارے کے سارے مل کر کے باہر جاتے تھے, اور اس دن سب معاف تھا, جو بھی آپ کریں اس دن معاف تھا. مغرب سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک جو بھی آپ کریں کوئی گناہ نہیں, چاہے جس طرح چاہے آپ منہ کالا کر لیں, جس سے چاہے منہ کالا کر لیں, آپ کو اجازت تھی. اگر کوئی کسی فقیر کو مہارانی ملتی ہے, بادشاہ کی عورت ملتی ہے, تو بھی اعتراض نہیں تھا کیونکہ اس دن معافی تھا سب. اب سوچو کتنی کھلی آزادی, ایسا کبھی دور آیا ہے ہماری زندگی میں کہ کم سے کم ایک بے کس اور لاچار کی حسرت و مراد تو پوری ہو جاتی؟ کبھی ایسا دن آیا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں وہ دن آیا. آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنے مزیدار میلے میں حضرت ابراہیم نے شریک ہونے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا, انسانیت سے بعید بات قرار دی, اور سارا گاؤں ملوث ہے عجیب عجیب تماشوں میں اور حضرت ابراہیم اکیلے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. غور کیا, دین حنیف کس کو کہتے ہیں؟ دین حنیف اس کو کہتے ہیں اس مسلمان کو, دین حنیف پر چلنا اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس مسلمان میں طاقتوں کے ساری دنیا کر لہو و لعب, کھیل و تماشوں, عیش و تعیش, فسق و فجور میں مبتلا ہو, تو تب بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے پر اگر قائم ہے تو اس کو دین حنیف پر قائم مسلمان کہا جاتا ہے. بھیا ہم اگر بہ جائیں تو دین حنیف پہ رہیں گے, کیا معمولی بات ہے؟ سارے گاؤں میں اکیلے ابراہیم ہیں, اور چاہتے تو یہ بھی اپنے اس کا سامان فراہم کر سکتے, کسی نے منع نہیں کیا تھا, بلکہ ان کے دوستوں نے تو انہیں ترغیب دی, کھینچا, بلایا, دعوت دی, کہا نہیں میں اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں سمجھتا, یہ چیز انسانیت سے گری ہوئی ہے کہ کسی کی عورت کو کوئی جو ہے غاشبانہ قبضہ کرے, یہ انسانیت سوز حرکت ہے, مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. لوگوں نے کہا پھر تو تم پڑے رہو, ہم مزہ کرتے ہیں, بس صبح سویرے جناب سارے کے سارے جاتے اور سورج ڈوبنے تک منہ کالا کرتے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ اللہ کے لیے ثابت بیٹھے. اس کو کہتے ہیں دین حنیف پر قائم رہنا. تب وہ قربانی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائی. اس قدر مسلمان کو پابند ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو جال سینما ناٹک کھیل تماشوں کا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. علامہ اقبال نے فرمایا یہ حوریان فرنگی دل و نظر کا حجاب, بہشت مغرب یہاں جلوہائے پابا رکاب, دل و نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا کہ مہر و ماہ ہے بہرے وجود میں گرداب, تیرے لیے جالا پھینکا گیا ہے. صرف اگر مچھیرا جالا پھینکتا ہے تو مچھلی کے لیے, نہ کہ مینڈک کے لیے, نہ کہ گھڑیال کے لیے, نہ کہ کچوے کے لیے. جب مچھیرا پھینکتا ہے جال تو صرف مچھلی کے لیے. اس طرح انگریزوں نے مسلمان تیرے لیے جال پھینکا ہے,
उनको बहस नहीं दूसरी कौमों से, तुझे तेरे मकाम से गिराना चाहते हैं, तुझसे तेरी रूहानियत छीन लेना चाहते हैं, तुझसे तेरी ज्यादा खिलाफत को छीनना चाहते हैं, इस वास्ते तू होशियार हो जा। मगर होशियार कहा, इन्हें भी उनके वजह में तुम हो नसारा। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा मुसलमानों को, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वो मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यहूदियों से कह गुजरे हो गए, शिकार को नहीं समझे, जाल को नहीं समझे, फंस गए ये भी। इधर जन्नत थी इनके इनके लिए अगर इधर रुख करते अल्लाह रसूल की तरफ, मगर लहू लहब में पड़ गए। और जो कुछ थोड़े मुसलमान दीन की तरफ थे वो फिरकों में बट के एक दूसरे के खिलाफ में रह गए। चलो चलने वाला रास्ता, चलने वाला अगर रास्ते में खड़े हो जाए और ये कहे कि ये इमली का झाड़ जो यहाँ है वो हमारे गांव में होता तो अच्छा था, बौली के पास हमारे, फिर थोड़ी दूर गया उसके बाद एक आम का झाड़ देखा, देख के बोला अरे ये आम का झाड़ यहाँ क्यों है, ये आम का झाड़ अगर हमारे आंगन में होता तो बड़ा अच्छा था। उसके बाद थोड़ी दूर गया, फिर वहां बैठ गया, बौली दिखी और गौर करने लगा कि ये बौली अगर हमारे गांव के गेट के पास रहती तो कितना पहुंचेगा मंजिल पर, वो अगर रास्ते में गौर फिक्र चलता रहे, दरख्तों पर गौर फिक्र हो जाए, वहां के महल वकू पर, नशे व फराश पर, वहां की आबो हवा पर अगर ये तबसेरा करने लगे तो मंजिल पहुंचेगा। अरे भाई किधर आम का दरख्त है, किधर झाड़, चलो तुमको मंजिल तक पहुंचना है। अगर मुसलमान अल्लाह रसूल को सामने रखता और इधर उधर नहीं देखता तो ये जल्दी मंजिल पा लेता, बजाय इसके नक्शो निगारी करने लगा बीच में खड़े रह करके, ये जमात ऐसी है, वो जमात ऐसी है, इस जमात को जो है बातिल करार दो, उस जमात को बदअकीदा करार दो, इसको काफिर कहो, उस पारे तू मंजिल की तरफ देख भैया, जिसको तू काफिर समझा हो सकता है वो अल्लाह और रसूल की मकबूल तरीन जमात हो और वो पहुंच जा, तू रास्ते में रह जाए, कहीं ऐसा ना हो। इस वास्ते अपनी धुन में तुझे चला जाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, अगर कोई आता है तो उसको ले ले, क्योंकि तेरी शान निराली है, बहुत ऊंची है। जो मंजिल की धुन में जाता है उससे क्या क्या करामत सदर से एक मिनट में अर्ज करके आगे चलेंगे। बैठिए, ठंडक तो हो गई है, आज बड़ी मेहनत की है हमारे दीनदार अंजुमन के नौजवानों ने, बेचारे कल से मसरूफ हैं, इस जलसे को सजाने के लिए अल्लाह के बंदों ने खाना पानी तक छोड़ दिया है कल से। अब मैं डर ये रहा था अल्लाह कि इतनी मेहनत बच्चों ने की, कम से कम उनकी मेहनत का मुआवजा अगर दो लफ्ज हम लोगों को सुना देते तो मिल जाता, लेकिन तू ये बारिश, तो बाद में समझ में आई बात कि बारिश तो अल्लाह की रहमत थी कि भाई ठंडे ठंडे सुनो, गर्मी में क्यों सुनते हो। अल्लाह अल्लाह कैसा करम है मेरे मौला का। तो आइए कि रास्ता जब सामने होता है, मंजिल जब गोल होती है किसी की, नशाना होती है मंजिल, तो उसके अंदर क्या कैफियत पैदा हो जाती है, जरा सुन करके आगे बढ़ेंगे। एक साहब जा रहे थे हज के लिए, हज के लिए जा रहे थे। अब जाहिर है हज तो कोई मामूली चीज है नहीं, हज तो एक बहुत बड़ा फरीजा है इस्लाम में, जो अल्लाह के घर का मेहमान बनता है, क्या कहने साहब, उसकी आंखों के, उसके पैरों के, उसके हाथों के, उसके जिस्म जान की क्या कहने। तो ये जा रहे थे, रास्ते में एक राहिब मिला, राहिब दूसरी कौम का था मगर बाल वाल छोड़ा हुआ था, मजहबी आदमी था, लेकिन वो जो है वो मुजर्रद था, यानी मतलब ये कि दीगर कौमों में बात जगह शादी नहीं है, हमारे पास तो हुजूर ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती व मन रकीबान फलीसा मिन्नी, कि जो शादी से इनकार करेगा वो हम में से नहीं, फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बास कौमों में है वो, ऐसी छुट जाते, समझा। तो वो छुटा हुआ था, वो रास्ते में इनको मिला, मिलकर बोला साहेब आप मुसलमान है, तो कहा हाँ, तू कौन है, कहा मैं राहिब हूँ। अच्छा ठीक है भाई, हम चल रहे हैं, जा रहे हैं। कहा साहेब मैं भी आता हूँ आपके साथ। कहा अरे तू दूसरे मजहब का, मेरे साथ नहीं भाई, मैं चला भाई जा रहा हूँ, और मुझे जो है साथ में ले जाना, बड़ी तकलीफ की बात है कि तुझे भूख लगेगी तो मैं ठहरूं, तुझे प्यास लगेगी तो मैं ठहरूं, तेरी हाजत आई तो मैं ठहरूं, नहीं भाई मुझे जल्दी जाना है। कहा नहीं हजरत ऐसा क्यों करते हो, अरे इस्लाम में तो सबको ले चलना है, आप मुझे छोड़ रहे, मैं आ रहा हूँ आपके साथ, आप मुझे हिदायत नहीं, ये वो बोल के मजबूर कर दिया। तो मजबूर करने बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि तू रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ नहीं कहेगा, सुनने की बात है ना, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा वक्त आपका जाया हो जाएगा मगर काम की बात मिली तो परवाह नहीं है ना, वक्त खराब होने के बाद उससे कीमती चीज मिल गई तो वक्त का इजारा हो जाता है उसका, ये तलाफी हो जाती है ना भाई। तो अब देखिए शान कैसी है मुसलमान की। मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आप इधर उधर नहीं देखकर सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर रखेंगे तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे, चाहे जिस जमात में हो आप उससे सरोकार नहीं है, सब जमातें अच्छी है। वो चलने लगे और उससे ये वादा लिया कि तू खाने पीने के लिए मुझे दरमियान में कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा अच्छी बात है चलते हैं। अब उसने कहा दिल में यहां तो चलो, रास्ते में तो
अब शुरू शुरू में अगर हम खाने को मंगेंगे तो साहब नहीं ले जाएंगे, बेहतर यह है कि रास्ते में जाने बाद किरकिर लगेंगे, जब क्या करते हैं दिल में सोच के पीछे। अब एक दिन दो दिन तीन दिन वो अल्लाह वाले थे, चले जा रहे थे, एक इश्क था मक्का मदीना पहुंचने का, ले जा रहे थे भूख ना प्यास, होश उड़ गई है और चले जा रहे दीवानवार, अल्लाह अल्लाह रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो कहते हैं इधर आता है देखें या उधर परवाना जाता है। तो परवाना किधर जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएगा ना। एक तरफ दुनिया है, दुनिया की जो है जगमगाहट है, और एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार है। तो मुसलमान जाहिर है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएगा। तो वो दीवाना ऐसा था, हुजूर की तरफ निगाह करके जा रहा था, मस्तानवाज जा रहा था, और जनाब ऐसे आलम में जा रहा था जिसको हाल कहिए, कैफियत कहिए, वजद कहिए, जुनून कहिए, इश्क की कैफियत कहिए, जो चाहे कह दीजिए, वो बात बराबर उसके लिए फिट होने वाली थी। बस वो चला जा रहा था, लेकिन ये कहां इश्क रखता था, इसमें इश्क कहां था, इसमें लिल्लाहियत कहां थी, ये अल्लाह वाला कहां था, इसमें जज्ब कहां था, लिहाजा इसको भूख लगी। देखा कितना फर्क है। अगर कोई किसी चीज से इश्क हो जाए आदमी तो खाना पानी भूल देना, दुनिया भूल जाए ना। तो मुसलमान जब दुनिया में पड़ा हुआ है तो उसका मतलब यह है कि इश्क नहीं है इसके अंदर, इश्क होता तो ये सब चीजें नहीं होती। तो वो जरा पीछे जो था तो उसको इश्क कुछ नहीं था, उसको भूख लगी, उसने कहा हजरत ऐसा थे, इन्होंने सुनी अनसुनी कर दी, इनको मालूम हो गया कि मैं नहीं लेना चाह रहा था, फिर भी आ गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ने बाद कहा हजरत, जब दो तीन बार चीखने लगा तो पलट करके उन्होंने झिड़की दी, कहा क्या है भाई, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू जो है मता मेरे साथ, अब शुरू कर दिया। तो बोला नहीं हजरत, सुनिए तो सुनिए बात क्या है। अरे भैया आप अल्लाह वाले हैं और मैं दुनियादार आदमी हूं, आप में रूहानी कुव्वत है, आप भूखे पैसे जा रहे हैं। अरे यारो मेहमान को भी ऐसा करते, मेहमान है ना आप। तो कहा अरे बाबा तुझे मेहमान होने के लिए किसने कहा था, जबरदस्ती का मेहमान, बिन बुलाए मेहमान, ये कैसी मुसीबत है भाई। मैंने तुझसे कहा था कि तू नहीं आता तो नहीं आ मेरे साथ, लेकिन तू आ गया, अब उसके बाद कह रहा है कि मेहमान, जबरदस्ती का मेहमान। कहा कुछ भी हो हजरत हम आए हैं तो आप जरा ख्याल करना चाहिए। बोले क्या ख्याल करूं, खाना हाँ जंगल में खाना, आबादी नहीं, ऐसी जगह खाना मांगता है। तो कहा देखिए आप लोग अल्लाह वाले होते हैं, करामत वाले होते हैं, आपको क्या जंगल क्या हर जगह, आप अल्लाह से दुआ करे तो आ जाता सुख। तो तू इस वास्ते मेरे पीछे आ गया खाने के लिए सिर्फ, मैं समझा मेरी रूहानियत से तुझे असर होगा कुछ जो है कुछ, वो सब छोड़ दे के आखिर खाना ही तेरे पेशे नजर है, अल्लाह याद नहीं आया, सिर्फ खाना ही रह गया आखिर भी चल करके। तो कहा भाई हम दुनियादार हैं। तो कहा उन्होंने कहा कि अब देख तेरे पर तरस आ रहा, तीन दिन से तू चल रहा है, ये आखिरी बार खिलाऊंगा, इसके बाद हरगिज हरगिज नहीं, खत्म हो गया, लिमिट खत्म हो गई मेरे सब्र की। मैंने पहले मना किया उसके बावजूद भी आया, अब आकर के रास्ते में वक्त खराब कर रहा है, अब ये आखिरी, इसके बाद अगर तूने कुछ उफ भी की दरमियान में तो याद रख तेरा बुरा कर दूंगा। कहा नहीं हजरत आखिरी बारी। अब उसके बाद इन्होंने कहा आंखें मेच ले, जब आंखें बंद किए दोनों दुआ करने लगे, तो उसके बाद जब हजरत ने कहा आंखें खोल तो देखा दो आपको ये दो जो है क्या कहते हैं उसको कटोरे भर करके जो है गर्म गर्म सालन है और बड़ी खुशबूदार खुशबू निकल रही है उसमें, बड़ा मजेदार सालन है, और दो नान की रोटियां भी रखी हुई है, और नान की रोटियां भी ऐसी हैं कि उसमें से भी खुशबू निकल रही, दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। बस उसके बाद देखा कि दो गिलास पानी भी है और वो पानी भी ऐसा प्यारा है और ऐसा मीठा और मजेदार है कि उसमें से भी खुशबू निकल रही, हालांकि यहाँ पानी में खुशबू नहीं होती। तो इसने समझा ये जन्नत से मंगाए हैं साहब, बस बैठा जमके और शुरू हो गया, अब पेट भर के खाया, खाने के बाद बोला चलो हजरत चलते हैं। अब फिर तीन दिन तक चलता रहा, चौथे रोज फिर इसके टाके ढीले हो गए, फिर वही बात, हजरत उनको आया गुस्सा, उनका तू अजीब आदमी है यार, मना करने के बावजूद अब तो हम हरगिज तुझे खाना वाना नहीं देंगे, हम चले जाएंगे। तो उसके बाद उसने कहा हजरत मैं आपको खाने के लिए कब कह रहा हूं, जरा सुनिए तो मेरी बात क्या है। तो उन्होंने कहा खाने के लिए नहीं बोल रहा है। नहीं तो फिर क्या बोल रहा, बोल दे। कहा मैं आपको खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब मैं मंगाता हूं खाना आप खाइए। तो उनको ताज्जुब हुआ कि तू खाना मंगाएगा, मैं तो मुसलमान हूं और तू राहिब है, तू राहिब होकर के मुझे मंगाएगा खाना। कहा क्यों नहीं, बैठिए आंखें बंद कर लीजिए। अरे बाप रे ये बैठी गए। इन्होंने कहा कि अगर मुझसे मांगता तो मैं जाता, लेकिन ये खुद खिलाना चाह रहा, चलो बैठे देखेंगे तमाशा क्या है। बैठ गए, कहा आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद किया,
उसके बाद जनाब कुछ हाथ उठाया, दुआ किया, क्या किया, उसके बाद कहा आंखें खोलो। आंखें खोलते हैं तो देखते क्या है, जब दो कटोरे सालन के आए थे तो अब चार कटोरे सालन के आ गए, जब दो नान की रोटियां आई थी तो अब चार आई है, जब दो गिलास पानी आया था तो चार गिलास है डबल। तो इनको बड़ा बुरा लगा, इन्होंने कहा अल्लाह हम मुसलमान हैं, हम तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, और ये जो है कलमा उलमा पढ़ता नहीं है, ये राहिब है, क्या उसमें भी ईमान है? और हम जब दुआ करते हैं तो दो कटोरे, और ये जब दुआ करता है तो चार कटोरे, अल्लाह ये तेरी क्या क्या आजमाइश है, ये कैसी बात है? क्या वो भी सदाकत है? क्या वो भी हक है इस्लाम की तरह? क्या वो भी सच है? ये क्या मतलब है परवरदिगार? बुरा बड़ा लगा। ओ जनाब वो बैठ गए, रहकर मुंह थोड़ा सा छोटा हो गया। उसने कहा हजरत खाते क्यों नहीं शुरू कीजिए ना? कहा नहीं बाबा मुझे भूख नहीं है। उसने कहा खाइए ना, क्यों डर गए क्या? तुम्हारी दुआ से दो कटोरे और हमारी दुआ से चार कटोरे, क्यों हिम्मत चले गई? कहा बस यही समझ भाई हमको बुरा लग गया है। कहा हजरत जरा पूरा तो सुनो, मुझे बोलने तो दो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुन लो। कहा क्या कहेगा अब, तेरी करामत मुझसे बड़ी है। कहा की करामत हजरत, खाक में मिले हमारी करामत, सुनिए तो सही मैंने क्या दुआ की है। अल्लाह अल्लाह, सुनिए कि मैंने कैसे मंगाया ये माल। तो हजरत इश्तियाक से सुन रहा, कहा हजरत आपको मालूम है कि मैं आपके पीछे चल रहा था, मैंने देख लिया आपके अल्लाह वाले हैं, आपके साथ खुदा है, आपकी दुआ अल्लाह सुनता है, आप अल्लाह वाले हैं। तो मैंने दुआ में यही कहा, ऐ परवरदिगार, ऐ फुला साहब के खुदा, मैं इन साहब के खुदा ने तुझ पर ईमान लाता हूं, क्योंकि यहां अल्लाह मुझे नजर आ गया। अब ये बात रह जाती है कि मैं इतना वली कामिल तो हूं नहीं, इतना साले तो हूं नहीं, इतना अल्लाह वाला नहीं हूं जितना ये सामने बैठा हुआ है, कि मैं जो है कुछ दुआ करके तुझसे मांगू। अरे परवरदिगार अलबत्ता एक रास्ता मेरे लिए है, वो रास्ता ये है कि मैं इनके वसीले से मांगता हूँ, ये साहब का वास्ता देकर कहता हूँ कि मुझ भूखे की तू का पेट भर दे। तो ये आपके वसीले से मैंने जब दुआ मांगी तो ये दो की जगह चार आ गया। तो इस्लाम में कहने का मतलब ये है आपकी बरकत दूसरी कौमों को मिलना चाहिए, बजाय इसके आप दुआ करते हैं तो आप ही की दुआ नहीं सुनी जाती, तो अब दूसरे क्या फायदा उसका हासिल करेंगे? भाई जहां हयात मचनी है वहीं हयात खत्म है, तो अब दूसरे कैसे जिंदा होंगे? भाई आप लोगों को हयात मिलना चाहिए ना, तो इसके लिए जाहिर है तखवा तहारत बाकी दी। कैसा तखवा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा तखवा। कैसी पाकीजगी? हजरत इस्माइल जबीउल्लाह जैसी पाकीजगी। कैसी इताअत और कैसी फरमाबरदारी? हजरत हाजरा जैसी पाकी और फरमाबरदारी। क्या हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह का हुक्म है इस काबे को खुदा के घर को आबाद करना है, तुम यहाँ रहो, तो बस बैठ गई। ये नहीं पूछा कि खाने का कैसा, ये नहीं पूछा पानी का कैसा। नतीजा ये हुआ कि हजरत इस्माइल जबीउल्लाह छोटपन में जो है प्यासे हो गए, और हालत ये होगी कि सकरात लग गई, और ऐसी कैफियत में आ गए कि अगर पानी ना मिले तो जान चली जाए। ऐसे वक्त में कोहे सफा मरवा पर सात मरतबा दौड़ लगाई और वहां अल्लाह से दुआ किया, क्या है परवरदिगार मैं तो अपने शौहर की फरमाबरदारी में आई हूं, मैं तेरा नबी नहीं हूं, नबी तो मेरा शौहर है, तूने नबी को हुक्म दिया, नबी ने मुझे हुक्म दिया, लिहाजा मैं तेरे नबी की फरमाबरदारी में आई हूं। अब तेरा काम है कि इस घर के काबे को अगर आबाद रखना है तेरे घर को, तो लिहाजा हमारी हयात कर दे, हमारे बच्चे की हयात कर दे। ये की बात। तो नतीजा यह हुआ कि हजरत इस्माइल जबीउल्लाह जो छोटे से पांव रखते थे मासूमियत में, उस छोटे पांव से दो चार रेती के कंकर क्या हट गया, उसमें से पानी उबलना शुरू हुआ। जबकि आज दुनिया देख रही है कि 600 फुट बोरिंग की जाती है तो पानी नहीं आता, मगर हजरत इस्माइल की खदमों की करामत थी कि जरी सी रेती हटी और पानी ऐसा उबलने लगा कि हजरत हाजरा को कहना पड़ा जमजम जमजम रुक जा रुक जा। इब्रानी जबान में जमजम रुक जा को कहते हैं, रुक जा। उनको डर पैदा हुआ कि या ये कैफियत थी कि पानी नहीं था मेरा बच्चा मर रहा था, या ये कैफियत है कि पानी इतना जाए कि मेरा बच्चा डूब जाए, लिहाजा उन्होंने कहा पानी रुक जा। तो अल्लाह ने उनकी बात में ऐसी करामत रखी उस सालेह सालेहा में कि रुक जा के साथ पानी रुक गया। अल्लाह अल्लाह, आज वो आबे जमजम के नाम से मशहूर है। तो देखा बाप कैसा, बेटा कैसा, बीवी कैसी। अल्लाह का बंदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी फरमाबरदार, जो बीवी है वो भी फरमाबरदार, जो बेटा है वो भी फरमाबरदार। घर का घर हमारा खानदान आफ्ताब है। आज हमारे घर में ऐसी कैफियत है कि शौहर भी अल्लाह वाला,
बीवी भी अल्लाह वाली और बच्चा भी अल्लाह वाला, ऐसा कहीं मंदिर है? हमारे बड़े बुजुर्ग जो है चंद लोग नमाज को आ जाते हैं, उनके बच्चे नहीं आते, उनकी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती, बूढ़े बड़े जो हैं वो नमाज को आ जाते हैं और ये समझते हैं कि हमारा घर क्या पूरे तरफ से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, खदा हो गया। ये कहा गया तो सबके ऊपर से बला टल गया। अरे भाई वो फर्ज किफाया नहीं है, फर्ज आयन है। आप पढ़ेंगे तो आपकी बीवी उसमें शामिल नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आपका बच्चा उसमें शामिल नहीं है। आप ये कब समझ गए कि ऊपर फर्ज किफाया है? फर्ज किफाया तो जनाजे में होता है कि उसको पहुंचाना होता है, दो आदमी अगर चले जाए तो सब पर से वो फर्ज आया खत्म हो जाता है, उसको फर्ज किफाया कहते हैं। ये हयात की बात है भैया, ये फर्ज आयन है। यहाँ शोहर पढ़ेगा तो बीवी को नहीं पहुंचेगा उसका हिस्सा, बीवी को भी पढ़ना चाहिए, बच्चे को भी पढ़ना चाहिए, छोटे बच्चे को भी पढ़ना चाहिए, बच्ची को भी पढ़ना चाहिए, चचा को भी पढ़ना चाहिए, मामू को भी पढ़ना चाहिए, साले को भी पढ़ना चाहिए, बहनी को भी पढ़ना चाहिए, है ना? तो ऐसा है हमारे पास। एक बेचारे रिटायरमेंट जिनका होता है बड़े मियाँ, वो आ जाते हैं नमाज को, बाकी कोई नहीं आता। ये कैफियत हमारे घरों की है। तो अब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनासिबत दी जा सकती है? उन जैसे हैं हम, उनके रास्ते को पकड़ने वाले हैं, उतने पाकी है हमारे पास। क्या कहा हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने? अरे मेरे बाप, जब आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार। सोचा कभी वाइजीन ने बात आपसे कही, आपने कभी सोचा कि अगर हम अपने बच्चे से कहेंगे कि मैं तुझे काटना चाहता हूं तो वो कहेगा क्या? मेरे बाप मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। कहेगा सलामती चाहते हो तो अरे मेरे बाप आप बच जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको काट दूं पड़ा कर। ये किधर और वो किधर? उन्होंने कहा मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ के साथ बाप ने देखा कि प्यारा लड़का है। फलम्मा बलगा माउसा, कुरान क्या कहता है कि बाप के बराबर हो गए थे हजरत। बाप के बराबर बोले तो जवानी को आ गए थे। बाप के बराबर जब बेटा होता तो बाप कितना खुश होता मालूम है? ओहो ये मेरा बच्चा है, मिलिए मौलाना, ये मेरा बच्चा है, लड़का है, बड़ा लड़का है, शेर की तरह रहता, बाप फूले नहीं समाता, इतना खुश हो जाता है। तो वहां हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितनी खुशी हुई होगी कि बुढ़ापे में आप पैदा हुए हैं, बशारत की बिना पर पैदा हुए हैं, और वो लड़का बड़ा हो गया अल्लाह के फजल करम से, अब वो जवान हो गया है, बाप के बराबर हो गया है, कितनी मोहब्बत आई होगी। उस मोहब्बत को देखते हुए हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा मैं देख रहा हूं आपकी मोहब्बत में, आपकी आंखों में मेरी मोहब्बत झांक रही है, मोहब्बत में आपके हाथ लेस जाएं और ये कुर्बानी सही मानों में कुर्बानी ना हो। बेहतर ये है कि लाइए मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूं ताकि आप मेरे चेहरे को देख करके अल्लाह की मोहब्बत से फिसल ना जाएं। अल्लाह बनी बेटे ने बाप की आंखों को पट्टी बांधा, किस लिए? इसलिए कि खुद कुर्बान होना चाहता है। हमारे माशरे में कौन सा ऐसा बच्चा है जो बाप के वास्ते इतना फरमाबरदार है? कोई है? अरे एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बाप की एक बात, अरे बाबा वो जाकर के जरा दुकान से लाओ, नहीं नहीं मेरे दोस्तों में जाना है, जरूरी है, आप मंगा लो, चला। ये है इस्माइल ज़बीहुल्लाह के नक्शे कदम पर है ना दलील ना, हाँ अल्लाह। और बीवियों का यह आलम है कि जंगल में जाकर के बीबी हाजरा को छोड़ा तो रह गई, और हमारी बीवियां ऐसी हैं कि हमारे माँ बाप के पास रहने के लिए जल्दी तैयार नहीं है, ये जंगल में रहेंगी तो किधर बीबी हाजरा किधर इनको, कोई निस्बत नहीं है भाईजान। इस वास्ते नतीजा क्या हो रहा है कि हमको अल्लाह ताला ने देखा कि ईमान में उतने मुस्तकिल नहीं है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह इनको मैं हुक्म दूं कि हर साल तुम एक बच्चे को कुर्बान करो तो ये इस्लाम ही छोड़ देंगे, इस वास्ते उसने कहा सिर्फ जानवर रख देना अच्छा है। तो जानवर रखे भी तो उसमें भी आनाकानी चलती रहती, समझ में आया क्या? नहीं, जानवर के में भी ये हालत है हमारी, जितना हो सके सस्ता बकरा ला लो, जितना हो सके चल जाता नहीं, एक एक तो इतना ला के बोलते मौलाना जरा फतवा दे दिए चल जाएगा ना, तो अब उसकी नीयत को देखना पड़ता हो, बकरे को नहीं देखना पड़ता हो। नीयत यह है कि छह महीने का साल का दिखे तो अच्छा है। तो ये तमाम चीजें हैं भाई। अब देखिए आज बारिश बार बार जो है अपने रहमत को बिखेर रहा है, और बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं अभी मेरी। मैं बहनों के लिए भी कुछ नसीहत करना चाहता था, उनके लिए भी कुछ जो है हिदायत, और नौजवान बच्चों के लिए भी कुछ हिदायत। अभी तो अब मैंने मौजू पर
موضوع کی سرزمین پر میں نے اب قدم رکھے تھے, ابھی میں کچھ دیر دور چلا ہی نہیں تھا کہ پھر جو ہے ڈسٹرب ہو گیا. اور میرے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ڈسٹرب ہونے کے باوجود بھی میں اپنی تقریر کو ظاہر رکھوں. تو بڑے بڑے مقررین جو قابل ترین ہوتے ہیں وہ بارش کیا بلکہ جناب وہ طوفان بھی آ جائے تو اپنی تقریر جاری رکھتے, میں اتنا قابل تو ہوں نہیں. مجھے جو ہے سامنے اگر آدمی ہوں تو ان کی نصیحت کے لیے کچھ بولنے کی عادت ہے, اتنا اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن پھر بھی میں نے اپنا حق ادا کیا. ان باتوں کو سمجھو, آپ آج کی فرقہ واریت کو چھوڑو, قریب آنے کی کوشش کرو. سب اندر سے پکے ہیں, کوئی بھی دیوانے نہیں ہیں. اسلام آنے کے بعد اللہ کے کلمہ, اللہ کا, اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کوئی دیوانہ ہے, پاگل ہے کہ کسی دوسرے کو رسول بنائے گا؟ لوگ دینداروں کے تعلق سے بولتے ہیں کہ ان کا نبی الگ ہے. کیا دیندار گھاس کھاتے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی وجود ایسا ہے جس کو تسلیم کریں. سب شانے ہیں بھائی اندر سے, تم دیوانے مت ہو جاؤ. دیندار پکے ہیں اپنی طرف سے, انہوں نے اللہ ہی کو اللہ سمجھا ہے. حضرت خاتم النبین کو خاتم النبین ہی سمجھ رہے ہیں, اور وہ خاتم النبین کے عشق میں جو ہے غیر قوموں میں اسلام پھیلا رہے ہیں. کہیں تم دھوکے میں نہیں آنا, اس واسطے بول رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ ہم تو اپنی جگہ بہت ہوشیار ہیں, تم ہم کو یہ سمجھ رہے ہو. کیونکہ وہ ہوتا ہے نا دھوکا ہمیشہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں عموماً, ارے منتر انتر آپ کیوں پڑھتے, قرآن شریف سیدھا سیدھا کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے بھائی تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم گھر کا کھانا بکری کو اور جو ہے گھر کی گائے کو اگر بکری کا کھانا رکھیں گے تو یہ موضوع بات نہیں ہوگی نا, اس کے لیے الگ سے چارہ لانا پڑے گا. اس طریقے سے آپ کے لیے قرآن کریم ہے تو کیا سب کے لیے قرآن کریم رہتا؟ ان کے لیے جو ہے جو ہے غذا, وہ غذا ان کو دی جانی چاہیے نا. اس واسطے وہاں جا کر اعوذ باللہ پڑھیں گے تو سمجھیں گے کیا؟ اس واسطے ان کو ان کی کتابوں سے ان کو جو ہے سمجھا کر کے لانا پڑتا ہے. یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی. ایک صاحب چارہ لے جا رہے تھے تو بازو والے بولے یہ روزانہ چارہ لے جاتے ہیں, ان کے بچے بچے چارہ ہی کھاتے ہوں گے. بولے یہ نہیں سوچے ان کے گھر میں بکری ہوں گی, نہیں سوچے, بلکہ بولے روزانہ چارہ لے جاتے ہیں لوگ, گھر کا گھر چارہ کھاتے. بات صحیح ہو سکتی کیا؟ ارے یہ سوچنا چاہیے تھا جب چارہ لے جا رہا ہوں تو بکری کو جانور ہوگا سمجھنا چاہیے تھا. ویسا مسلمان یہ نہیں سمجھے کہ دیندار منتر کیوں پڑھتے ہیں, کیا ہمارے بابا کے منتر ہیں کیا ہیں؟ ارے وہ دوا ہے بیماروں کو دینے کی بابا, ہمارا تمہارا منتر تو ایک ہی قرآن کریم ہی ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج کتنی مشکلات ہو رہی ہیں, ہم غیر قوموں میں جو ہے اسلام کو پیش کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ساتھ دینے کے بجائے ہم کو کالا گورا نام رکھ کے ان کے عقیدے خراب ہے, ان کا معاملہ الگ ہے. بولے کیا نمازیں الگ ہیں ہماری؟ نزدیک آؤ, قریب آؤ, دیکھو, جانو, پہچانو, کہیں نقصان میں نہیں رہنا. کیونکہ بعض ازن اسمن فرمایا قرآن کریم نے, بعض گمان جو ہے گناہ کبیرہ ہیں فرمایا. تو اچھا گمان رکھا کرو, خراب گمان مت رکھو. کوئی گھاس نہیں کھاتا یہ زمانے میں سرکار کی بجائے کسی اور کو سمجھنے کے لیے. وہ کوئی ایسے ویسے ہوں گے جیسے جناب آپ دیکھتے ہیں کہ خادیانی لوگوں میں جو ہے گھاس کھانے کا رواج تھا, انہوں نے گھاس ضرور کھایا, اس میں کوئی شک نہیں. خادیانی جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آنا برحق ہے, بولے نبی آ سکتا ہے, بولے اس کو کہتے ہیں گھاس کھانا, وہ لوگ گھاس کھائے. مگر یہ زبردستی ہم کو بھی خادیانی بولنا, یہ کہاں کا انصاف ہے, ظلم ہے. ہم خادیانی کے تریاک ہیں, ان کے علاج کے لیے ہم کو اللہ کھڑا کیا ہے. ہم خادیانی نہیں ہیں, خادیانوں کو مسلمان بنانے والے ہیں. ذرا سب کو ایک ہی لکڑی میں مت ہانکو. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اپنی بیوی پر برس رہا تھا, بولتے ہیں ایسا اس کی چار بیویاں تھے, جھگڑا ہو رہا تھا. اب جھگڑے میں اس نے کیا کیا, تنگ آ کے آخر میں بڑی بیوی کو کہا تجھ پر طلاق, طلاق کے ساتھ دوسری نمبر کی آ گئی. بولی کیا بول رہے ہیں آپ, ہوش میں تو ہے نہیں, تجھے بھی طلاق. اس کے بعد تیسری آ کے بولی کیوں دماغ خراب ہو گیا, تو کہا تجھے بھی طلاق. اس کے بعد چوتھی آئی, معلوم ہوتا ہے پاگل ہو گئے, تجھے بھی طلاق. تو چار ہونے کے بعد پڑوسن دیکھی کہ چار طلاق ہو گئے, مولوی صاحب کو کیا ہو گیا؟ انہیں تنبی میں سے منڈی نکال کے بولی مولوی صاحب کیا طلاق دے رہے ہیں آپ یہ اپنی بیویوں کو, تجھے بھی طلاق. بولے وہ دوسرے کیا ہو رہا تھا, اسے بھی طلاق ہی تھے. تو ویسی کیفیت ہماری ہے, ہم کو بھی طلاق ہی تھی. یارو ہم تو مسلمان ہیں نا بھائی, کلمہ کو ہے نا, ہم کو بھی طلاق ہی, پہچان دیکھتے نہیں کیا کر رہے ہیں ہم غیر قوموں میں, کیا کر رہے ہیں نظر نہیں آ رہا. ارے ہمارے قریب آئے کبھی دیکھے, لوگ بولے کہتے انہوں سن لیے, لوگ بولے وہ دیندار آئے سے, تم سن لیتے. لوگ کچھ بھی بولتے, وہ ایک آدمی ٹھہرا تھا کہتے بولی کے پاس, بولی کے پاس ٹھہر کے انہوں نے بولا ایک بھی بات لی ایک بھی گھڑا پانی نہیں لیتا میں بولی میں سے, آج میرے گھر میں شادی ہے, سب کو ہکال کے میں لے لیتا ہوں بولے پانی, دھکالے میں تھوڑا پانی تھا. تو دوسرا دوست بولا ارے بھائی کیسا تو لینے دیتا, سب لوگوں کو لینا پڑتا, شادی رہی تو کیا. ارے میں ایسی ترکیب کرتا ہوں, میرے کو چانا پانی. بولا کیا ترکیب کرتا تو دیکھ. بولے ٹھہرا, اس میں ایک گھڑا لے کے ایک صاحب آئے گئے پانی لینے کے واسطے, تو فوراً بول دیا کہاں جا رہے پانی کو, ارے رات میں سور گر گیا, اس میں سور گرا, لاہور والا کو ہوتا واپس ہو گئے. جا
देखा नहीं झांक के सुअर गिरा तो देखा नहीं वापिस, अरे बाप रे ना पैसा पानी, वो बादले वापिस हो गए, बकीटा वापिस हो गए, घड़े वापिस हो गए। वैसा तुम जो है कोई बोल दिया जिंदार खराब है तो सुन लेते, आते नहीं हमारे पास, तुम्हारी क्या खराबी है मौलाना इधर आओ, नहीं पूछते। हम तो तुम्हारे भाई है ना, नजदीक आके देखो क्या पांच की जगह छह नमाज पढ़ रहे, क्या अंदर से कोई नवा कुरान लाए, क्या अंदर से कोई नया नबी निकाले, आके देखो बाबा हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं तुम्हारी तरह, मगर हमारे इश्क में और तुम्हारे मोहब्बत में क्या फर्क है, इतना ही है कि हम तुम जो है अपनी मुसलमानी तुम्हारे हद तक रख लिए हैं, हम चाहते हैं कि इस मुसलमानी को दूसरे तक पहुंचाएं, दूसरे को भी मुसलमान करें, यह फर्क है तुम्हारे हमारे में। अब वो मुसलमान करने के लिए कुछ हिकमत हम इस्तेमाल करते हैं तो तुम समझते इनका अकीदा खराब है। हिरनियों को पकड़ने के लिए हिरनी का चमड़ा कहीं ओढ़ लिया तो जानवर हो जाता क्या, चमड़ा ओढ़ लिया है ताकि हिरनियों को पकड़ ले, उसको जानवर बोलेंगे तो आप कैसा रहेगा, इंसान है वही, चमड़ा है शिकार के लिए ओढ़ा है। वैसा जो है आप समझे नहीं दीनदारों को, नहीं समझ के क्या क्या बोल दिए, अरे बाज मस्जिदों में तो तकरीरें करने नहीं देते अल्लाह के बंदो, हम भी आशिक हैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अगर किसी को पूछना है तो आओ हम यहां हैं, पूछो क्या आप फर्क है, देख लो कि ईमान में फर्क है, अकीदे में फर्क है, हुजूर की रिसालत में फर्क है, या अल्लाह की तौहीद में फर्क है, या अल्लाह की किताब में कुछ फर्क है, कुछ तो मालूम कर लो। दूर से कोई बोल दिया उसकी बात में बैठ जाते, नजदीक आओ बैठो। अब ये जमाना तो एक दूसरे के साथ होने का है, ये जमाना एक दूसरे के साथ चलना है। अगर ये नहीं मानोगे तुम हमारी बात तो फिर अल्लाह ही तुम्हारा हाफिज है। हम तो जो हमारा काम था पहुंचा देना, वमा अलैना इल्ला बलाग, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। अगर कोई मोहब्बत वाला है तो आए देखे बैठे मिले, और इस काम में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है, चहीता काम है कि आप काफिरों में इस्लाम फैलाते थे, अगर इस्लाम नहीं फैलाते आप काफिरों में तो मुसलमान नहीं दुनिया में आते, वहां मुशरिक थे काफिर थे काबे में मक्के में मदीने में, लेकिन आपने इन कुफर को क्या है इस्लाम से बदल दिया, आज वो काम हम कर रहे हैं तो हमारी मोहब्बत करने के बजाय आप हमको धुतकारते हैं और ये समझते हैं कि इनका अकीदा खराब है। ये बहुत ही नामाकूल और नामुनासिब बात है मेरे अजीजों। आपको अल्लाह अच्छा रखे, हम आपके पूरे पूरे भाई हैं, आप हमारे नजदीक आ जाओ। ये कोई वोटिंग का मामला नहीं है कि हमको वोट लेना है क्या आपको हम वर्गला रहे, अरे ये तो ईमानियात के सौदे हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारा ताउन करें, आपका ताउन हो गया तो हम जो है गैर कौमों में घुस करके उनको इस्लाम की तरफ लाएंगे, बस इतना ही है। और अगर उतना भी नहीं हो सकता तो कम से कम अल्लाह के लिए अल्लाह के हबीब के लिए कुछ हमारे खिलाफ जबान से बोलो मत, क्योंकि हम फुकरा हैं मुतवक्किल बिल्लाह हैं, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में हम जो है निकले हैं ताकि इस्लाम को कोने कोने तक पहुंचाने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आजम था उसको हम अपने वजूदों से जाहिर कर दें। इस वास्ते हमको ये कावी पहनना पड़ा, वरना ये जरूरी नहीं है हमारे लिए, ये कावी महज इसलिए हमने पहना कि कावी जब पहनेंगे तो तबलीग करने में गैर कौमों में आसानी होगी, अगर ये सादे लिबास में जाएंगे तो उसकी इज्जत और वहां जो है अजमत नहीं रहती है, इस वास्ते इसको इस्तेमाल करना पड़ा, वरना हमारे लिए जरूरी नहीं था। अब आप कहेंगे क्या सुन्नत के खिलाफ में आपने इस्तेमाल किया, तो जी ने आपको मैं बता दूं सफे 144 तबलीगी निसाब में, बड़ी किताबों को तो आप देख नहीं सकते ला नहीं सकते, अगर मैं हवाले दूंगा बेहतर यह है कि आम मस्जिदों में जो किताबें रहती हैं उसका हवाले देता हूं। हिकायत साहबा तबलीगी निसाब जो तबलीगी जमात की किताब है उसमें सफे 144 देखिए, उसके अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास आपको नजर आएगा कि कौन सा था। बीबी हफ्सा से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं के बता, क्योंकि साहिबजादी हैं आपकी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, आप अपनी बच्ची से पूछते हैं जो हुजूर की बीवी हैं, क्या पूछ रहे हैं, सच सच बता कि तूने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे उम्दा कौन सा लिबास देखा। यही लफ्ज रहेंगे, इसमें कोई गलती नहीं कर रहा हूं मैं बोलने में, बिल्कुल यही लफ्ज आप किताब में भी देखेंगे, फिर सुन लीजिए। हजरत हफ्सा से हजरत उमर फरमाते हैं कि सच सच बता कि तूने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्दा से उम्दा लिबास कौन सा देखा, तो बीबी हफ्सा फरमाती हैं कि दो गेरुए रंग के कपड़े, सुना दो गेरुए रंग के कपड़े। किताब है, नहीं मिलने की चीज नहीं बोल रहा हूं कि नहीं मिले और हम बोल के चले जाएं, मस्जिदों में है तबलीग निसाब हिकायत साहबा, उसमें देखिए, उसमें यह बताया गया कि दो गेरुए रंग के कपड़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेब तन किया करते थे, लेकिन कब, उस वक्त जब वफूद आते गैर कौमों के, जब गैर कौम के वफद आते जमातें आती तो उस वक्त आप फौरन गेरुए रंग का कपड़ा पहन लेके आ जाते थे ताकि मोहब्बत करीब हो जाए, वो लोग आ जाएं, और वहां जो है उनके तौरेत और इंजील और जबूर से उतूर समझाते थे जिसमें हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत मौजूद थी। इंजील में ईसा अलैहि सलाम ने कहा फारखदी आ रहा है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा वो ताकत नहीं आएगी, वो मुझसे बड़ा है, मैं जाकर के उसको भेजूंगा। तो ईसा गए और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो ये बात हुजूर और सहाबा ने बताई इंजील वालों को कि तुम्हारी इंजील में देखो कि वहां फारखलीद का लफ्ज बोला गया है। फारखलीद कहते हैं
सबका उस्ताद, जगत गुरु कहिए या वर्ल्ड टीचर कहिए या सर्वर आलम कहिए, लफ्ज अल्फाज अलग अलग है भाई, अल्फाज से क्या होता है, फर्क होता है क्या? अगर मैं कहूं इंग्लिश में क्या आई वॉन्ट टू टी, तो क्या मैं काफिर हो गया? अगर तेलुगु में आप बात करेंगे तो क्या आप हिंदू हो गए? जबान से हिंदू हो जाते हैं या कलमे से ईमान से मुसलमान रहते आप? अगर ऐसा होता तो कोई जबान मुसलमान नहीं पढ़ता, ना अंग्रेजी पढ़ते ना तेलुगु पढ़ते, और कहते कि भाई पढ़ने से हिंदू हो जाएंगे हम, ऐसा है क्या? रोज जबान है ना भाई, जबान है, हद हो गई यार। हम पढ़ते हैं तो हमको क्यों फतवा देते हो खामखा? और हम किस लिए पढ़ते हैं? देखिए सरकार का तरीका बता रहा हूं, कि सरकार इंजील को मंगा करके वहां बताते थे कि तुम्हारे ईसा ने फार खदीत का उसका, वो फार खदीत मैं हूं। हालांकि सरकार फार खदीत बोल के हम नहीं बोलते, आपको सरवरे आलम बोलते हैं हम, और वहां फार खलीत, फार खलीत का तर्जुमा अगर करेंगे तो सरवरे दो आलम ही चौथा, जबान का फर्क है। तो हुजूर वहां मैं सरवरे दो आलम नहीं बोले, फार खलीत हूं बोले, मैं फार खलीत हूं, उनके समझ में आना नहीं। मैं सरवर आलम बोलो तो तुम सरवर आलम है, आप सरवर आलम तो जाइए, हमारे पास तो फार खलीत है बोलते थे। इस वास्ते हुजूर ने क्या फरमाया, मैं खुद फार खलीत हूं, वो जो लिखा वो फार खलीत मैं हूं, समझ में आया? तो इस तरीके से हम वहां जाकर के गैर कौम बताते हैं कि तुम्हारे किताबों में जो लफ्ज बोला गया वो हुजूर की जात है, इतना चाहे वो पढ़कर बताना पड़ता है। उसके वास्ते मुसलमाना हमको क्या बोले, शास्त्रा पढ़ते रहे, ये जो है ये पढ़ते, बोले श्लोका पढ़ते, ये मुसलमाना नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कितना जुल्म है तुम्हारा हम पर, गौर करने की बात है। हमारा शुक्रिया, मशकूर होना चाहिए था हिंदुस्तान के मुसलमानों को। चलो हम में एक जमात ऐसी भी है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरह जो है गैर कौमों को इस्लाम की दावत दे रही, खुश होने के बजाय उल्टा हमारे को मातूब करे, अल्लाह बनी। इस वास्ते अब भी वक्त है, एक हो जाओ मोहब्बत से, किसी भी फिरके को जो है निगाह बद से मत देखो। अब बड़ा पास खराबियां हर जमात में होती हैं, जैसे फुरूई मसाइल हैं, फातिहा का मसला है, नजर व नियाज करना जायज़ है या नहीं जायज़ है, एराज करना उर्स मनाना जायज़ है या नहीं जायज़ है, और जो है कुंडे करना रजब के जायज़ है या नहीं, फातिहा देना जाए, ये फुरूई मसला है, ईमानी मसले नहीं है ये। नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए बोले तो वो असल मसला है। देखो ऐसा है कि झगड़ा किसी जमात का, रोजा रखना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा है कि फातिहा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये फुरूई मसाइल हैं। अब वो इमाम आजम के नजदीक फातिहा जायज है, इमाम शाफई के नजदीक नहीं नाजायज है, चारों इमाम बरहक है, जो शाफई पर चलता है वो नहीं देता है, जो इमाम आजम पर चलता है वो देता है, बात खत्म हो गई। तो मध्य भाई हम देते भाई, इतना था इतने की बजाय क्या है कुफर का फतवा, इतने के वास्ते तू खराब हम अच्छे, तू जो है नारी मैं नाजी, हाँ ऐसा अपने वास्ते इन्ना आता है ना दूसरे के वास्ते तब्बत अदा, ये कैसा भाई? तो ये कैफियत हमारी हो गई, वो लेके क्या करते, सब एक हो जाओ, मोहब्बत से चलो, हर एक की इज्जत करो, सलाम करो हर एक को, तुम्हारी जैसा दूसरे दिल में भी ईमान है, तुम ये मत समझो कि हमने अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया है इस्लाम को, ऐसा नहीं। आलमगीर मजहब है, ईरान में रहने वाला भी उसके दिल में अगर इश्क है अल्लाह की तौहीद है तो यकीनन मुसलमान है, हा? तो ये क्या जरूरी है कि मैं ही एक मुसलमान हूँ दुनिया में, मैं दावा करूँ, ऐसा नहीं होता भैया। इस वास्ते हम सब मिलकर चलने का वक्त है। मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने ठंडी के बावजूद और बारिश में आप भीगते रहे और सुनते रहे, मतलब ये कि एक वक्त में आप दो बारिशों से भीगे, एक रूहानी बारिश से और एक मादी बारिश से, आपके भी नसीब कितने अच्छे हैं, एक तो जिस्म ठंडा हो गया और दूसरा हमारी बारिश से दिल ठंडा हो गया, चलो दोनों बरसात आपके नसीब में आज थे, अल्लाह आपको और भी खैर बरकत दे। उसके साथ मैं जो है इस गली वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे जलसे के लिए अपने तंग गली को जो है दे दिया और कहा मुसीबत उठा लेंगे लेकिन आप अल्लाह रसूल का नाम लीजिए यहाँ। तो इस वास्ते में जितने घर हैं आसपास के या जो गली से गुजरने वाले हैं या इस गली के रहने वाले, उनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसके मुआवजे में उनको अजर अजीम दे।